Hello everyone, I am Randesh Singh Thakur and you are watching Libra E-Classes. तो ज्योग्राफी की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट. ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट का हम ओवरव्यू आज देखेंगे. हल्की हल्की सी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, इसका मैप, इसकी लोकेशन, इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हम जानेंगे आज. ठीक है, आप मेरे साथ सबसे पहले मैप पे देखोगे, उससे भी पहले मैं आपको समझा दूँ ये कॉन्टिनेंट क्या चीज़ होती है. ज्योग्राफी में एक टर्म है कॉन्टिनेंट. बड़े बड़े जो लैंड मासेस हैं, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है उसके जो बहुत ह्यूज लैंड मासेस हैं, जो टोटल 7 हैं, उन 7 ह्यूज लैंड मासेस को हम कॉन्टिनेंट्स का नाम देते हैं. ठीक, इनका अलग अलग नाम है, उन्हीं में से एक कॉन्टिनेंट है यूरोप. ठीक है, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं. आप अगर मैप पर देखोगे तो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, ये हमारी अर्थ के ऊपर कौन सा पार्ट है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है. ठीक है, यूरोप के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा आज, बट उससे भी पहले हम इसकी पहले बात कर लेते हैं. इट इज कॉन्टिनेंट ऑफ 44 कंट्रीज, मतलब इसमें टोटल 44 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग. आज की डेट में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस टाइम पर यूरोप के अंदर टोटल कितनी कंट्रीज हैं, 44. ठीक है, छोटी छोटी कंट्रीज हैं इंडिया की स्टेट्स की तरह की, उससे भी कुछ छोटी हैं, जिनसे मिलकर के ये पूरा कॉन्टिनेंट बना हुआ है. बट एजुकेशनली, टेक्निकली और इंडस्ट्रियली अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा जो वेस्टर्न यूरोप है, ये पूरा रीजन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है. ठीक है, बड़े एडवांस लोग हैं यहाँ के. दूसरी अगर बात करूँ तो यहाँ लिखता है इट आल्सो नोन एज द पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास. यूरोप के बारे में एक फैक्ट और भी है कि इसको पेनिनसुलास का पेनिनसुला कहा जाता है. ठीक, ये पेनिनसुला क्या चीज़ है, ये भी एक ज्योग्राफिकल टर्म है जिसका मतलब होता है एक ऐसा लैंडमास जिसको 3 साइड से पानी ने घेर रखा होता है. ठीक है, जिसके चारों तरफ पानी होता है हम उसको आइलैंड कह देते हैं. जिसके 3 तरफ से पानी होगा बट वो लैंड के साथ कनेक्टेड होगा वो एरिया, तो उस लैंड मास को हम पेनिनसुला कह देते हैं. अब यहाँ पर समझने की कोशिश करोगे मेरी बात को, जैसे सपोज ये कोई लैंड मास है. ठीक है, इसके इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है और इस तरफ भी पानी है. ठीक है, तीनों तरफ से अगर उसके वाटर बॉडीज हैं तो इस बीच वाले पोर्शन को हम, बीच वाली लैंड को हम पेनिनसुला कह देते हैं. ठीक है, तो यूरोप को पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास कहा जाता है क्योंकि ये छोटे छोटे पेनिनसुलास के साथ मिलकर ये एक बड़ा पेनिनसुला बना हुआ है. आप यहां अगर मैप में देखोगे तो देखो तीनों तरफ से इसको पानी ने घेर रखा है. आगे लिखता है ऑल्सो फेमस एज पेनिनसुला ऑफ यूरेशिया. इसको यूरेशिया का पेनिनसुला भी कहते हैं क्योंकि इसके इस तरफ एशिया कॉन्टिनेंट है ईस्ट में. ठीक है, तो एशिया कॉन्टिनेंट का ही एक्सटेंशन इसको माना जाता है, इसलिए इसको यूरोप और एशिया का पेनिनसुला भी कहा जाता है. तो यूरोप और एशिया को इकट्ठा करके हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, यूरेशिया. ठीक है, नीचे इसकी लोकेशन की बात कर रहा है. हम अगर ज्योग्राफी में अगर मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसकी लोकेशन क्या है, तो इसमें लिखता है लोकेटेड इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. पूरा जो यूरोप है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. ये हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न और साउदर्न का क्या कंसेप्ट है ये आपको यहाँ समझा देता हूँ. असल में हमारी जो अर्थ है इसके ऊपर हम एक लाइन ड्रा करते हैं सेंटर में से, ईस्ट टू वेस्ट. इस सेंटर लाइन को इक्वेटर कहा जाता है. इसके नॉर्थ में जो पूरा हेमिस्फीयर है, जो आधा स्फीयर जो बना हुआ है, इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. ठीक है, नॉर्दर्न, और जो नीचे है इसको साउदर्न हेमिस्फीयर. तो जो पूरा यूरोप है, मैंने ये लाइन गलत लगा दी यहाँ पर, ठीक है, एक्यूरेसी नहीं है. इस लाइन से पूरा का पूरा यूरोप जो है वो ऊपर है. ठीक है, यानी पूरा यूरोप जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. ठीक है, साथ साथ में लिखता है ये मोस्टली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. और एक लाइन और है यहां पर जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं. ठीक है, इस लाइन से पूरा का पूरा यूरोप ईस्ट साइड में है, तो इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर हम बोलेंगे. ठीक है, तो अगर यूरोप की बात करें लोकेशन की, तो ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और मैक्सिमम जो यूरोप है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है. ये इसकी लोकेशन है. ठीक, आगे लिखता है कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स को जान लेते हैं इसके बारे में. यूरोप 3 तरफ से पानी के साथ घिरा हुआ है. पेनिनसुला है तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 तरफ क्या होगा, इसके वाटर बॉडीज होंगी. तो नॉर्थ में अगर बात करूं तो इसके नॉर्थ में है आर्कटिक ओशन. यहां पर ये एरिया कौन सा है, आर्कटिक ओशन का एरिया है ये. इसके वेस्ट में माइटी अटलांटिक ओशन है. ठीक, और इसके एक्सट्रीम साउथ में यहां पर ये जो बीच में खाली एरिया है, आपको मैं मैप जूम करके दिखाऊंगा, इसमें भी पानी है और इस वाटर बॉडी को नाम दिया जाता है मेडिटेरेनियन सी. तो 3 वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं, आर्कटिक ओशन,
अटलांटिक ओशन और साथ में मेडिटेरेनियन सी, ये तीन वाटर बॉडीज को तीनों तरफ से घेर के रखा उन्होंने पानी के साथ। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो ये जो यूरोप कॉन्टिनेंट है ना, एशिया से ये कोई क्लियर कट इसका सेपरेशन नहीं है। कहने का मतलब कि इस तरफ एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट से ये अलग मतलब साफ तरह से पूरा सेपरेट नहीं है, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। अदरवाइज जो बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं, बट ये एशिया के साथ जुड़ा हुआ लगता है ऐसे जैसे ये उसके साथ लगा हुआ है। तो ऐसे कौन कौन से लैंड मार्क्स हैं या फिर कौन कौन सी ऐसी लैंड मार्क्स हैं जो इसको एशिया से अलग करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर नॉर्थ से साउथ एक माउंटेन रेंज आता है, रशिया में बड़ा फेमस है वो, साइबेरिया में, उसका नाम है यूराल माउंटेन। ठीक है, तो यूराल माउंटेन इसको क्या करता है, एशिया से अलग करता है। ठीक है, उसके साथ साथ में यूराल माउंटेन से साउथ में अगर हम आएंगे तो वहाँ पर कैस्पियन सी नाम की एक बहुत बड़ी लेक है, दुनिया की सबसे बड़ी लेक है ये, और ये कैस्पियन सी और साथ में यूराल माउंटेन ये मिल करके इसको सेपरेट करते हैं एशिया से। इसके इस तरफ में आता है एशिया कॉन्टिनेंट और इस तरफ आता है यूरोप कॉन्टिनेंट। तो इनके बीच में क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो यूराल माउंटेन है और साथ में कैस्पियन सी है। इसके साथ और अगर बात करें तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ मैप के ऊपर, यूरोप की ये तीन कंट्रीज हैं। यहाँ देखोगे आप ये जो छोटा सा पार्ट है ये वाला, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इन तीनों कंट्रीज के ग्रुप को हम कलेक्टिवली कहते हैं स्कैंडिनेविया। यहाँ देखोगे मेरे साथ आप स्कैंडिनेविया, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो स्कैंडिनेविया तीन कंट्रीज से मिलकर बनता है, ये नॉर्दर्न यूरोप की तीन कंट्रीज हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आने वाली वीडियो में हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्कैंडिनेविया क्या चीज़ है, तो ग्रुप ऑफ थ्री कंट्रीज है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। आने वाले लेक्चर में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिलने वाली है, इनके सारे फैक्ट्स को, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनके बारे में, इनकी लोकेशन, इनकी ज्योग्राफी, इनकी जो फिजियोग्राफी है, ये सारी चीज़ें हम एक अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियो को आप देखने के लिए ट्यून रहे हमारे साथ, उसमें आपको स्कैंडिनेविया के ऊपर लेक्चर मिलने वाला है। ठीक है, इस लेक्चर में भी अगर आपको कोई डाउट रहती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कभी भी अपनी कोई भी क्वेरी वहां पर पोस्ट कर सकते हो, आपके हर एक क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और कोशिश की जाएगी कि आपको समझ आए हर चीज। तो इस लेक्चर के बाद भी आप अपने मोबाइल फोन में या फिर अपने आप किसी वर्ल्ड एटलस के ऊपर यूरोप का जो पूरा मैप है आप उसको देखते रहें, जितना आप मैप को देखोगे उतने ईजिली आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, हर एक ज्योग्राफी की लेक्चर को देखने से पहले आपको मैप जरूर देखना है, ठीक है, या फिर साथ खोल करके बैठना है, मैप के बिना आपको कोई भी लेक्चर नहीं देखना है ना उसको याद करना है, समझ गए मेरी बात को, तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।